हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरमनदीप सिंह। स्वागत है आपका इजी इलेक्ट्रॉनिक फॉर यू में। आपने अभी अभी इजी इलेक्ट्रॉनिक फॉर यू देखना शुरू कर दिया है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर क्या होता है, इसकी वर्किंग एप्लीकेशन, बड़े एनिमेशन तरीके के साथ एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ हिंदी में सरल भाषा में समझाऊंगा। चलिए शुरू करने से पहले एक कोट हो जाए, जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ये कोट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर आल्सो कॉल्ड कार्सिनोट्रॉन भी बोलते हैं इसे, और बैकवर्ड वेव ट्यूब भी बोलते हैं। दो चीज़ें और बोलते हैं, ठीक है। क्या होती है ये बैकवर्ड वैक्यूम ट्यूब होती है। ये यूज टू जनरेट माइक्रोवेव अप टू टेराहर्ट्ज़। देखिए, माइक्रोवेव जनरेट करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस हैं, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि अप टू टेराहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे ये माइक्रोवेव जनरेट करता है। ये एक वैक्यूम ट्यूब है जो माइक्रोवेव जनरेट करती है अप टू टेराहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी। चलिए आगे। बिलोंगिंग टू ट्रैवलिंग वेव ट्यूब की फैमिली से बिलोंग करती है। मैंने आपको ये भी पढ़ाए हुए हैं ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। उसके बाद इट इज़ अ ऑसिलेटर विद अ वाइड इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग रेंज। वो मैंने आपको बताई थी कि ट्यूनिंग रेंज इसकी ज़्यादा होती है। दिखने में कैसा होता है, देख लिए ऐसा होता है। ये माल एक वैक्यूम ट्यूब ही है जो माइक्रोवेव जनरेट करती है अप टू टेराहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। सबसे पहले ये शुरू करने से इसका वर्किंग शुरू करने से पहले ना मैं आपको स्लो वेव स्ट्रक्चर बता दूँ, क्योंकि इसमें स्लो वेव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। देखिए, नॉर्मली ये हमने हेलिकल वाले भी स्लो वेव स्ट्रक्चर पढ़े हैं, ठीक है, आप उसे भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। एक हेलिकल ट्यूब होती है, एक फोल्डेड बैक लाइन होते हैं। स्लो वेव स्ट्रक्चर वो होते हैं जो वेव को कुछ हद तक स्लो करें, ठीक है। ये देखो जिगजैग, अगर इसमें से ऐसी वेव निकलेगी तो ये इसे स्लो कर देगी, ठीक है। तो ऐसे ही ये इंटर डिजिटल लाइन इसे बोलते हैं। ये है कोरूगेटेड वेवगाइड, मतलब ये नॉर्मली स्लो वेव स्ट्रक्चर की वेवगाइड है। देखिए, जो आप पढ़ रहे हो बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर वो कहाँ पे आता है, किसकी टाइप में आता है, ये भी आप देखिए। देखिए, लीनियर वेव ट्यूब है जो, ठीक है, वो दो तरह की होती है, कि कैविटी और एक स्लो वेव स्ट्रक्चर। स्लो वेव स्ट्रक्चर मैंने आपको तभी ये दिखाई थी, ऐसी होती है। स्लो वेव स्ट्रक्चर में भी एक फॉरवर्ड होती हैं, एक बैकवर्ड होती हैं। फॉरवर्ड जो वेव को आगे की तरह सेंड करती हैं, बैकवर्ड जो वेव को पीछे की तरह सेंड करती हैं। हमने कैविटी में क्लिस्ट्रॉन भी पढ़ लिया है, वो भी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। हेलिकल भी पढ़ लिया है, वो भी आप देख सकते हैं। और जो बैकवर्ड वेव ऑसिलेट बैकवर्ड वेव एम्पलीफायर है या बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसकी। देखिए, बैकवर्ड वेव में एक एम टाइप बैकवर्ड वेव होता है, एक ओ टाइप बैकवर्ड वेव ट्यूब होती है। हम एम टाइप की वर्किंग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, नॉर्मली वर्किंग है ना, जो जितना हो सके उतना आपको समझाऊंगा। देखिए, मैंने दो डायग्राम आपके लिए तैयार किए हैं, ठीक है, कि सबसे पहले इसको थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। इसको ये बड़ा आसान है, आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कहीं पे अगर एग्जाम है आपका जहाँ याद करना है। देखिए, कैथोड होती है, जो इलेक्ट्रॉन हीटर लगा होता है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करता है। इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होगी, यहाँ पे लगा हुआ कलेक्टर जो इलेक्ट्रॉन बीम को कलेक्ट करेगा। ये स्लो वेव स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक स्लो वेव स्ट्रक्चर लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे हम एक सिग्नल देते हैं और यहाँ से बैक होके सिग्नल यहाँ पे आउटपुट हो जाता है। सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है। बैक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगी होती है, या N और ये S। इसी प्रिंसिपल को समझाने के लिए इस पे आ जाओ, इस डायग्राम पे देखिए। ये कैथोड है, इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होगी इलेक्ट्रॉन हीटर की वजह से, यहाँ पे हो गई। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, तो ये मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो फॉरवर्ड है, लेकिन नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है। मतलब नॉर्थ थ्रू साउथ आपको पता है मैग्नेटिक लाइंस फ्लो करती हैं। मतलब क्या हो गया कि जो
इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जा रहे हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, मतलब उसको धक्का दे रही है पीछे की तरफ। इलेक्ट्रॉन बीम इधर आए तो इधर से ये देखो, ये होते 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 यहाँ से बैक हो गए, जहाँ से आए थे वहीं चले गए और अप टू यहाँ पे हमें टेरा हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे आउटपुट मिल गई वेव गाइड लगा के। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला डायग्राम तो आपको समझ आ गया होगा। सिंपल है, इलेक्ट्रॉन बीम इस डायरेक्शन को जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड उसके उल्ट दिशा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की धीरे 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 कम होगी ना स्ट्रेंथ यहाँ तक आते हुए, तो इसने और इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसके मुकाबले, कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, इसे पुशअप कर दिया बैक, तो इसीलिए इसका नाम है बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर। देखिए ये एम्पलीफायर बिल्कुल नहीं है, ये हम ऑसिलेटर पढ़ रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि एम्पलीफायर हो गया आउटपुट आ रही है, वो भी एक कॉन्सेप्ट है, वो है बैकवर्ड वेव एम्पलीफायर में। देखिए ऑसिलेटर में क्या हो रहा है, सिग्नल आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये मैग्नेटिक लगी है जो परमानेंट, ये इसको पुश करके बैक भेज देती है और टेराहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की हमें आउटपुट मिल जाती है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा देखिए, आई एम डैम श्योर आपको ज़रूर समझ आएगा। देखिए ये देखिए, इन विच इलेक्ट्रॉन गन सेंड टू बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सेंड करते हैं इन स्लो वेव स्ट्रक्चर, ये स्लो वेव स्ट्रक्चर है, ये देखिए मैंने आपको पढ़ाया ना, ये कॉरुगेटेड स्लो वेव स्ट्रक्चर है। द इलेक्ट्रॉन बीम एंड द मैग्नेटिक वेव मूव ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम और मैग्नेटिक वेव्स हैं वो आउट ऑफ डायरेक्शन में चल रही है। देखिए जो ये वेव गाइड यूज हो रही है यहाँ पे, ये देखिए ये वाली है वेव गाइड, कॉरुगेटेड वेव गाइड, ठीक है, सॉरी क्या, हाँ वेव गाइड जो स्लो वेव स्ट्रक्चर है ये वाला यूज हो रहा है ना यहाँ पे, ये स्लो वेव स्ट्रक्चर कॉरुगेटेड। चलिए एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज है बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ ट्यूनेबिलिटी एंड बाय द वेरिएशन ऑफ कलेक्टर वोल्टेज, मतलब वाइड रेंज ऑफ ट्यूनेबिलिटी है इसकी एडवांटेज। इट जनरेट ऑसिलेशन दैट शो हाई फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी, ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, हाई फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी। इट होल्ड द एबिलिटी टू प्रोड्यूस शार्प डिजायर सिग्नल एट द आउटपुट, हाँ आउटपुट पे शार्प डिजायर जैसे हमें चाहिए वैसा सिग्नल प्रोवाइड करता है, इतनी एबिलिटी। डिसएडवांटेज देखिए, इट इज लेस एफिशिएंट एज कम्पेयर टू ट्रैवलिंग वेव ट्यूब्स एंड क्लिस्ट्रॉन ट्यूब्स, ये दोनों मैंने आपको पढ़ा दिए, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इससे कम एफिशिएंट है, ये इसकी डिसएडवांटेज हो गई। चलो देखिए, आप सभी का धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, अगर उम्मीद है आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ज़रूर जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।